मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार करो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में भोले चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में भोले चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में भोले चमत्कार भर दो, मेरी वाणी में भोले तो को एक भर दो। गाता रहूं शंभु गान तुम्हारा, गाता रहूं शंभु गान तुम्हारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो। धरण धरो आमार्योमा चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अस्ति स्वस्तरुणी कराग विगलात् कल्पा प्रसो नामृतं वास्तो प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। ब्रह्मा तच्छ कुबेरो यवमन चंद्रेन्द्र रुद्रा शैला नात्र समुद्र ग्रह गण मनुजे दैत्य गंधर्व नागा सप्ता द्वीपा नक्षत्र तारा रव विषयो मुनयो वसुनीश्च ते सर्व यज्ञ रक्षाम करण कृत दिया पांतु सर्वदेवा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला। सुख करनी और दुख हरणी, ये सुख करनी और दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को
पाप से है तारती। एकदंताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् लज्जैर्पुन्नागजात् करभैर्रसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना मंत्र पुष्पांजलि सांगाय सपरिवाराय साधुका सत्तिकाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, रुद्र चंडी महायज्ञ की जय, नव दुर्गा माता की जय, श्री श्री 108 श्री श्री नंद किशोर महाराज की जय, श्री श्री 1008 श्री श्री मुक्तानंद जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन नाशत विघ्न अनेक। राधावर श्री कृष्ण प्रभु सकल जगत आधार अंतर मन की जोड़ दो तव चरणन संग काल जय जय प्रभु
जय जय माखन चोर मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नात नमस्कार की भेंट लो जोड़ों में दोनों हाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ों में बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा मैया की यमुना मैया की जगदम्बा मैया की उमापति महादेव की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु भक्त वत्सल भगवान की ओम हरे कृष्णा ओम श्री आइए दो मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करें Rama Rama Hare
कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा रामा हरे 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 राम हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा 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 हरे 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 राम हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम पूज्य परमाराध्य श्री गुरुदेव महाराज के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए मंगलमय आशीर्वाद लेते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। जिन दिव्य महापुरुष के मंगलमय स्मृति के उपलक्ष में प्रातःकालीन और सायंकालीन वेला में रुद्र चंडी महायज्ञ श्री नव दुर्गा मंदिर में और इस पार्क में श्रीमद् भागवत का भव्य अनुष्ठान चल रहा, ऐसे पावन महापुरुष परम पूज्य ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री नंद किशोर शास्त्री जी महाराज के दिव्य चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन। जिनके अनुग्रह से, जिनकी कृपा से, जिनकी शक्ति से यह अनुष्ठान चल रहा, उन्हें बार बार वंदन। परम पूज्या कांता माता जी, श्री नव दुर्गा मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारी जो गुम नाम होकर इस मंदिर की प्रत्येक सेवा को अर्पित कर रहे, जो इस धरती पर सेवा करके अपना नाम नहीं चाहता उसका नाम मेरे बांके बिहारी अपने रजिस्टर में अंकित कर लेते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सेवादार हैं, वो अपने नाम के लिए सेवा नहीं कर रहे, हमारा नाम हो। मुख्यतया देखा गया कहीं नाम की खुमारी, कहीं काम की खुमारी, लेकिन यहां सेवा के बदले कोई अपना नाम नहीं चाह रहा। नहीं तो प्रायः मंच पर लिस्ट आ जाती है कि महाराज ये नाम बोलने हैं, और ऐसा मैंने देखा स्वयं प्रत्यक्ष, जिसका नाम छूट जाए ना, चाहे वो मंच संचालक बोल रहा हो
किसी का नाम गलती से रह जाए तो वो अपने घर चला जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो हमें कई बार ध्यान आता है तो हम पूछ लेते हैं, अरे अरे वो कहाँ गए? बोले वो गलती से उनका नाम नहीं बोला गया ना, वो रुक कर घर चला गया। लेकिन यहाँ तीसरा वर्ष है, मैंने देखा कभी किसी के मन में ये बात नहीं आई, और तन से मन से धन से सब सेवा कर रहे, तन से मन से धन से। यहाँ ना तो धन वालों का नाम बोला जा रहा कौन क्या दे रहा, ना जो तन से सेवा कर रहे उनका नाम बोला जा रहा, और सभी मस्त हैं। और मैं समझती हूँ कि इन सब सेवादारों का नाम मेरे बांके बिहारी जरूर अपने रजिस्टर में अंकित कर रहे होंगे, और कर होना भी चाहिए ऐसा। और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर रहे आदरणीय दिनेश शास्त्री जी, समस्त संगीतकार मंडल भैया गुलाटी जी, मंच का संचालन कर रहे भैया भारती जी, भगवत प्रेमी आत्माओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की बैठक में उपस्थित आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल की कथा में आपने भगवान के भिन्न भिन्न भक्तों के जीवन चरित्र को श्रवण किया। यदि हम थोड़ा गहन चिंतन करें, और करना चाहिए, किसी भी भक्त की कथा को सुनकर, किसी भी भक्त के प्रसंग को श्रवण करके हम ऐसे जैसे फिल्म की स्टोरी याद करते हैं, तो ऐसी स्टोरी को याद ना करें कि ध्रुव को ऐसे ऐसे सुरुचि ने फटकारा, फिर वो जंगल में गया, फिर भजन किया, फिर भगवान ने दर्शन, नहीं, उसका सार क्या है? किसी भक्त के चरित्र को श्रवण करें तो सार ढूंढें, सार क्या है, तभी साधना की उच्च कोटि पर हम पहुंच सकते हैं। आप यदि जानते हो महात्मा बुद्ध किस प्रकार साधना की ऊंचाई पर पहुंचे, जीवन के सार को खोजते खोजते, महात्मा बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ जब पैदा हुआ और उसकी जन्म कुंडली बनवाई गई तो ब्राह्मणों ने यही कहा कि शायद ये सन्यासी बनेगा। अब सुदोधन जो सिद्धार्थ के पिता हैं, उनको चिंता हो गई, हम संतों को प्रणाम तो करते हैं लेकिन लगे ना हमारा पुत्र, हमारा बच्चा इस लाइन में लगने वाला, हमारा बच्चा संत बनने वाला, तो मैं भय लगता है, उसे पीछे हटा देते, हमारा बच्चा संत नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे ही सुदोधन ने भी बड़ा प्रयास किया, मेरा बेटा सन्यासी नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को इस प्रकार का कोई दृश्य नजर नहीं आना चाहिए जिससे उसके मन में वैराग पैदा हो। बड़ा प्रयास किया, नगर से बाहर कहीं निकाला जाता तो दिव्य उसके उसके लिए दृश्य प्रस्तुत किए जाते। और एक दिन सिद्धार्थ ने बैठे बैठे पिता से कहा, पिताजी मैंने कभी अपना नगर पूरा नहीं देखा, आज मेरे मन में है कि मैं अपने नगर का भ्रमण करूं, थोड़ा देख कर आऊं। मना नहीं कर पाए पिता, जाओ देखो। सारथी को भेज दिया, रथ पे बैठ गए, और सुदोधन ने सारथी को आदेश दिया कि देखो मेरे पुत्र सिद्धार्थ को इस रास्ते से लेकर जाना, रूट समझा दिया कि यहां यहां से लेकर जाना, और जो रूट समझाया उस रूट पर ऐसे ऐसे दृश्य प्रस्तुत कर दिए गए जिससे वैराग आने का कोई मतलब नहीं है। संसारी राग तो आ सकता है लेकिन वैराग नहीं। सिद्धार्थ जा रहा, चलते चलते सिद्धार्थ के मन में आया, अरे 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 महाराज इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से चलो, रास्ता बदल दिया। पिता ने जो मंत्री को रूट बताया था उस रूट पर ना जाके रास्ता बदल दिया, रूट बदल दिया। अब राजकुमार है, राजकुमार के आदेश को कौन टाल सकता है। सारथी उस रास्ते से जाने लगा,
जैसा सिद्धार्थ ने कहा। और चलते चलते सिद्धार्थ ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुकी झुकी छड़ी हाथ में है, खांसते खांसते जा रहा। पहली बार सिद्धार्थ ने देखा ऐसा व्यक्ति, पहली बार। आज तक बूढ़ा व्यक्ति बीमार व्यक्ति देखा ही नहीं था, आज देखा। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछ लिया कि सारथी ये कौन है, ये ऐसा क्यों है। सारथी ने कहा ये शरीर की अवस्था है, ये शरीर की अवस्था है, एक दिन हमें भी इसी अवस्था में पहुंचना है। बचपन जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, इस अवस्था का नाम बुढ़ापा है और इस अवस्था को सबने प्राप्त करना है। सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा। बोले हाँ तुम भी बूढ़े होगे। और आगे गए और आगे एक बहुत बीमार व्यक्ति मिला, बहुत बीमार व्यक्ति। सिद्धार्थ ने उसकी हालत देखी, फिर पूछा ये कौन है। बोले ये रोगी है, ये रोग ये बीमारी ये शरीर का दुख सुख है, किसी को भी हो सकता है। बोले क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। बोले हाँ ये तो प्रारब्ध का दुख है। और आगे गई और आगे। अब सिद्धार्थ ने देखा कि चार व्यक्ति अपने कंधे पर डेड बॉडी को लेकर जा रहे और राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे। पहली बार ये दृश्य देखा। सिद्धार्थ ने फिर पूछा ये सब क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन किसको उठाकर जा रहे हैं कंधों पर। सारथी ने कहा महाराज ये मर गया, इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, अब ये कभी उठेगा नहीं, कभी बोलेगा नहीं, कभी खाएगा नहीं, अब ये मर गया, इसको जलाने के लिए जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी मरूंगा एक दिन। सारथी ने कहा तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा, एक ना एक दिन सबने मरना है जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है, एक ना एक दिन उसे मरना ही होगा। तीन दृश्य सिद्धार्थ ने देखे और रथ को वापिस घुमा लिया, चलो बस हो गया भ्रमण। सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि यदि जिंदगी का सार, जिंदगी का अंत मृत्यु है, यदि जिंदगी का अंत मृत्यु है तो फिर जिंदगी का सार क्या है, जन्म लेना और मर जाना, जिंदगी का सार क्या है आखिर। बस उस सार को खोजते 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 सिद्धार्थ से वो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। ऐसा वैराग आया, घर छोड़कर तप करने गए, जिंदगी का सार खोजने के लिए निकले कि सार क्या है। और सार खोजते खोजते उस ज्ञान को उपलब्ध हो गए, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए। तो ऐसे हम भी कोई कथा को श्रवण करें तो उस कथा के सार को प्रयास करें, चिंतन करें, इसका सार क्या, हमें इसे मिला क्या है। अब ध्रुव छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष की अवस्था में उसने भगवान का भजन करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया, नाम कौन सा जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को हम भी तो जपते हैं, कहा नाम जप तो हम करते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका अलग अलग है। हम नाम जप करते किस लिए हैं। आप बाजार जाते हैं, आपके पर्स में पैसे हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, लेकिन सब अलग अलग उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। बाजार में खरीदारी करने क्या खरीदना, सबका अलग अलग चुनाव है, मुझे ये खरीदना मुझे वो खरीदना। पैसा तो वही है, रुपया तो वही है, लेकिन आप अलग अलग उद्देश्य से बाजार जा रहे हैं। ऐसे ही नाम की पूंजी हम भी कमाते हैं, लेकिन ये नाम की पूंजी हमें खर्च कहाँ करनी है। ये भी तो दौलत है, ये भी तो पैसा है, आध्यात्मिक दौलत है ये। ये अध्यात्म की दौलत को हमने लगाना क्या है, इसे खर्च करके हमें चाहिए क्या। हम कुछ और मांग लेते हैं, ध्रुव ने भगवान को पा लिया, फर्क इतना है।
हमारा चुनाव क्या, हमारी तलब क्या है। एक सूफी फकीर राबिया हुई, राबिया नाम था। राबिया भगवान से जब प्रार्थना करती थी तो भगवान से कहती थी, ए खुदा, यदि मैं तुम्हारा भजन नरक के भय से करती हूँ, कहीं मुझे नरक में ना जाना पड़े। कुछ लोग इसलिए भी नाम जप कर लेते हैं कहीं नरक ना मिले हमें, स्वर्गवासी होने चाहिए, हमारे आगे स्वर्गवासी लिखा जाना चाहिए, लिखा तो जाता ही है। किसी के आगे लिखा गया नरकवासी? जो मरता है क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी, भले वो नरक में गया हो। तो राबिया प्रार्थना में कहा करती, ए खुदा, यदि मैं तुम्हारा भजन नरक के भय से करती हूं तो मुझे नरक की आग में जला देना, और यदि मैं तुम्हारा भजन स्वर्ग के प्रलोभन में करती हूं, मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग के लालच में करती हूं, तो मुझे स्वर्ग से कोसों दूर रखना, स्वर्ग में मत भेजना, स्वर्ग से कोसों दूर रखना। और तीसरी बात कही, ए खुदा, यदि मैं तुम्हारा भजन केवल तुम्हें पाने के लिए करती हूं, यदि मैं तुम्हारा भजन केवल तुम्हें पाने के लिए करती हूं तो मुझे अपने दीदार से खाली मत रखना, मुझे अपना दीदार अवश्य देना। ये चुनाव है हमारा, अपना अपना, हमें चाहिए क्या। ध्रुव ने जप किया और भगवान का दर्शन चाहा, भगवान का दर्शन हो गया। हम जप करते हैं, हम कुछ और मांग लेते हैं, कहीं और खर्च कर देते हैं। महिमा नाम की है, भगवान का नाम कल्प वृक्ष है। अजामिल की कथा में क्या है, अजामिल ने क्या किया, अपने पुत्र नारायण को पुकारा। अजामिल एक भगवत भक्त था, संघ का प्रभाव हुआ, पहले भी कथा में एक बार आया, संघ के प्रति हम बड़े सावधान रहे। लेकिन अजामिल ने एक वेश्या को देख लिया, कुछ लोगों के बीच में खड़ी नित्य कर रही है, आंख से गलत आहार हो गया। आहार माने क्या होता है, भोजन। भोजन केवल मुख से नहीं लिया जाता, भोजन आंख से भी किया जाता है, भोजन कानों से भी किया जाता है। अजामिल ने अपनी आंखों से गलत आहार कर लिया और काम वासना हृदय में प्रवेश कर गई, आंख के माध्यम से मन में चली गई और वेश्या को पत्नी बनाकर रहने लगा। वेश्या गर्भवती थी और भगवान की प्रेरणा से महात्मा जी आ गए। महात्मा जी गणिका से भिक्षा मांगने के लिए आए, भोजन करने के लिए आए। गणिका ने भोजन तो करा दिया, अजामिल आया। जब अजामिल आया, अजामिल के हाथ में शराब की बोतल है। संतों ने कहा, अजामिल, हमने तुम्हारे घर पर भोजन तो कर लिया, भोजन के बाद दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। अजामिल ने कहा, दक्षिणा, मेरे हाथ में ये शराब की बोतल है, यदि आपको पीनी हो तो ले लो। महात्माओं ने कहा, अजामिल, हम शराब तो पीते हैं लेकिन ये वाली शराब नहीं पीते। इस शराब को पीने का लाभ कितना, रात को पियो और सुबह उतर जाए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले गर, जिंदगी ये नशे में गुजर जाएगी। ये जो शराब है ना, रात को पी और सुबह उतर जाएगी। जितने नशे संसार में, उतर जात प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम तो ऐसी शराब पीते हैं जिसका नशा जीवन में कभी उतरता नहीं। तो संतों ने कहा, अजामिल, हम तुमसे कुछ और नहीं चाहते, हम केवल इतना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और तुम्हारे पुत्र का जन्म होने वाला है, तुम अपने इस पुत्र का नाम
नारायण रख देना। और अजामिल ने नारायण रख दिया अपने पुत्र का नाम। अजामिल अंतिम समय में अपने इस पुत्र नारायण को याद कर रहा, नारायण नारायण, इधर यमदूत आए हुए हैं और इधर अजामिल के मुख से नारायण नारायण निकल रहा। अब नारायण पुत्र के कानों में तो आवाज नहीं पड़ी, भगवान के कानों में आवाज पड़ गई। यही कारण है कि पहले समय में माँ बाप अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर ही रखते थे। किसी का नाम राम है, किसी का नाम गोपाल है, किसी का नाम गोविंद है। आज उल्टे सीधे नाम रखने लगे। और इसका तात्पर्य क्या है, क्यों रखते थे, संतों ने भी क्यों बताया, संतों ने भी क्यों कहा कि नारायण नाम रखो। संत जानते थे कि अजामिल बड़ा दुष्ट है। यदि अजामिल को हम सीधा सीधा कहेंगे कि भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा, नाम जप करो, तो ये करेगा नहीं, तो ये करेगा नहीं, इसके पुत्र का नाम रख देंगे तो दिन में 8 बार 10 बार अपने पुत्र को आवाज लगाएगा, इसके मुख से नारायण नाम निकलेगा। कुछ लोग इस कथा के विषय में तर्क करते हैं, कैसा कैसे हो सकता है, उसने अपने पुत्र को पुकारा और भगवान के दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए। देखो थोड़ा चिंतन करें तो इसका जवाब मिलता है। जैसे एक माँ का छोटा बच्चा है, आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपने आप रोटी मांग लेते हैं, माँ मुझे भूख लगी है जल्दी से दो रोटी। छोटा बच्चा है, अभी रोटी खाना शुरू किया है जिसने, जो आधी रोटी ही रोज खाता है, मान लो दूध पीता है आधी रोटी खाता है, एक रोटी जैसे तैसे माँ खिलाती है, माँ डाल कर देती है और बच्चा अपने आप भी खा ले, हाथ में पकड़ के खाता रहता है, खेलता रहता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कभी मांगते नहीं रोटी, और माँ कहती है बेटा खा लो बेटा खा लो, और जैसे ही मुख में रोटी डालने लगती है और बच्चा रोने लगता है, रोटी को फेंक देता है, रोने लगता है, रोटी खाने को तैयार नहीं। माँ चाहती है रोटी खाए, रोटी नहीं खाएगा तो कैसे इसका शरीर पुष्ट होगा। माँ भोजन खिलाना चाहती है, बच्चा खाना नहीं चाहता। जब माँ बच्चे के मुख में रोटी का ग्रास डालती है, बच्चा रोने लगता है, माँ एक युक्ति निकालती है। क्या युक्ति निकालती है, माँ बच्चे को कोई कहानी सुनाने लगती है, मीठी मीठी कहानी सुनाती है और बच्चा बड़ा खुश है, बच्चे का ध्यान बदल जाता है, बच्चे का ध्यान कहानी की तरफ हो गया, बच्चा कहानी सुन रहा है और सुनते सुनते माँ बच्चे के मुख में एक ग्रास डाल देती है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं और खा रहा है। माँ कहानी सुना रही है और साथ साथ में रोटी खिला रही है, बच्चा कहानी सुन के बड़ा खुश हो रहा है, रोटी उसके मुख में जा रही है, उसके शरीर का भी पोषण हो रहा, कहानी भी सुन ली और रोटी भी पूरी खा ली, अब बच्चा भी स्वस्थ माँ भी प्रसन्न। बस ऐसी कृपा कई बार संतों की होती है। संतों ने देखा यह अजामिल दुष्ट है, इस प्रकार से भगवान का भजन करेगा नहीं, इस भजन भी तो आहार है, भगवान का भजन भी तो आहार है, इस प्रकार ये इस आहार को ग्रहण नहीं करेगा, तो इसके पुत्र का नाम रख दिया जाए तो अपने पुत्र को पुकारेगा नारायण नारायण नारायण, तो इसका कल्याण भी हो जाएगा, इसलिए उसके पुत्र का नाम नारायण रखा गया। यमदूत जब लेने के लिए आए और अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा, भगवान के कानों में आवाज पड़ी, भगवान ने अपने दूत भेजे, विष्णु दूत आए, विष्णु दूत और यमदूतों का संवाद हुआ, यमदूत हार कर वापिस चले गए और विष्णु दूत भी चले गए। अजामिल ने सब सुना कि विष्णु दूत और यमदूत परस्पर क्या बात कर रहे। अजामिल के मन में वैराग आया। अजामिल की आयु में शेष 12 वर्ष थे, अब उसने घर में नहीं बिताए, घर छोड़कर हरिद्वार में चला गया, भगवान का भजन किया। अंतिम समय में भगवान के पार्षद आए और अजामिल भगवान के धाम में चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो ये सब क्या है, नाम की महिमा है,
भाव उभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दश हूँ। तो आइए उसी नाम जप की महिमा को लेते हुए राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। 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 राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी शक्ति। इस नाम में नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इस नाम में अद्भुत शक्ति। श्री राधा नाम का जादू कर लेता सबको काबू। श्री राधा नाम का जादू कर लेता सबको काबू। श्री राधा नाम का जादू कर लेता सबको काबू। श्री राधा नाम का जादू कर लेता सबको काबू। रस मीठा बड़ा निराला मैं गट गट करके पी गई। रस मीठा बड़ा निराला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला गट गट करके ताली में की आवाज नहीं आ रही। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी ताली बजाते हुए। नाम में मस्ती भारी रस पीवे चढ़े कुमारी। इस नाम में मस्ती भारी रस पीवत चढ़े कुमारी। इस नाम में मस्ती भारी रस पीवत चढ़े कुमारी। ये नाम बड़ा गुणकारी ये नाम बड़ा हितकारी। 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 ये नाम बड़ा सुख वाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई। राधा रस नाम पियाला मैं गट गट करके पी गई।
घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। परम धन सबका ये जीवन धन है सबका। ये नाम परम धन सबका ये जीवन धन है सबका। ये नाम परम धन सबका ये जीवन धन है सबका। यही नाम श्याम मन भावे यही नाम मुरलिया गावे। यही नाम श्याम मन भावे यही नाम मुरलिया गावे। यही नाम श्याम मन भावे यही नाम मुरलिया गावे। यही नाम श्याम मन भावे यही नाम मुरलिया गावे। चारों पल देने वाला मैं घट घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। राधा रस नाम प्याला मैं घट घट करके पी गई। 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 कल्याण करके भगवत धाम में पहुंच गया। और सुंदर प्रसंग भक्त प्रहलाद का। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, कौन कौन से? जय और विजय। एक मेरी प्रार्थना है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं था लेकिन आज मेरी दृष्टि पड़ी, सुना जरूर था कल मैंने। यहाँ जो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, आज पता नहीं कृष्ण जन्म है, समय मिलेगा कैसे, ये आप कॉपी में मत लिखो, अपने दिल में उतार सको तो उतारो, ये कॉपी में लिखना ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो कॉपी हटा दीजिए आगे से। बोलो बांके बिहारी लाल। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं जय और विजय। संत आदि ऋषि एक दिन भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में आए, द्वारपाल आगे खड़े हैं। द्वारपालों ने भीतर जाने से मना कर दिया, रास्ता रोक दिया कि इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। संत आदि ऋषियों को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तुम भगवान के धाम में रहकर भेदभाव करते हो, हमारा श्राप है तुम तीन बार असुर योनि में जन्म लोगे। यही जय और विजय एक बार रावण और कुंभकर्ण हुए, एक बार शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, और अभी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर आए। देखिए कोई भी जीव कितना तप करे, कितनी साधना करे, वर्षों वर्षों तक कठोर साधना करे, गुफा में बैठकर कठोर तप करे, लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही यदि उसने पल भर के लिए क्रोध कर लिया, इतने वर्षों में जो तप का फल संचित किया
वो सारा फल नष्ट हो गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ये सारे विकार ही हैं। कोई भी विकार हमारे मन में आएगा तो आपके पुण्य क्षीण तो होंगे ही होंगे। आपने जो भजन किया होगा उसका फल माइनस होगा। लेकिन क्रोध, क्रोध एक ऐसी आग है, घर में आग लग जाए तो क्या बचेगा। ये अलग बात है कि प्रारंभ हुई आग लगनी, हम पदार्थों को बचा लें, नहीं पता चले तो ये आग तो सबको जला डालेगी। ऐसे ही यदि क्रोध आ गया तो आपके वर्षों वर्षों का किया हुआ तप, उसका जो फल आपने संचित किया, सब जलकर नष्ट हो जाएगा। संकादिक ऋषियों ने भगवान के धाम में आकर क्रोध किया और किस पर, भगवान के द्वारपालों पर, जय विजय पर। भीतर प्रवेश नहीं मिला, भगवान शोर सुनकर बाहर आए। भगवान ने दर्शन तो दिया लेकिन अपने धाम के भीतर प्रवेश नहीं दिया। और स्वयं को ये अनुभूति होती है, संकादिक ऋषियों को ये अनुभूति हो गई, हमने जो तप किया उसका फल नष्ट हो गया क्योंकि हमने क्रोध कर लिया, चलो हम दोबारा तप करें। तो यही जय विजय, तीसरी बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने वराह अवतार लेकर कर दिया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का बड़ा भाई है। हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा, इसलिए भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, शक्ति अर्जित कर लो, ब्रह्मा जी का तप करूंगा। राक्षस लोग ज्यादातर ब्रह्मा जी का तप करते हैं। हिरण्यकश्यप आया मंदराचल पर्वत पर, पेड़ के नीचे बैठा ब्रह्मा जी का तप करने के लिए। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना की, कहा गुरुदेव ये दुष्ट तप करने बैठ गया, आप जाइए इसके तप में विघ्न डालिए, दुष्ट के हाथ में सत्ता जाना ठीक नहीं। तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, एक तोते का रूप धारण करके उसी वृक्ष पर आकर बैठ गए। अब नीचे से आवाज आ रही, हिरण्यकश्यप ब्रह्मा को मनाने के लिए बैठा, ओम श्री ब्रह्मणे नमः। और ऊपर बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके बैठे, ऊपर से आवाज आती ओम नमो नारायणाय, नीचे से आवाज आती ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ऊपर से आवाज आती ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैं जिस विष्णु की हत्या करने के लिए यहां तप करने बैठा हूं और ये तोता उसी के नाम का जप कर रहा, शायद आज का दिन तप के लिए शुभ नहीं है। भगवान के नाम को अपशगुन मानकर हिरण्यकश्यप अपने घर में चला गया। जैसे ही हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने देखा कि मेरे पति वापस लौटकर आ गए, एक लंबे समय के लिए तप करने गए थे, पूछने का साहस नहीं कि क्यों वापस लौट कर आए। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधी है, क्रोधी व्यक्ति से हर इंसान डरता है, किनारा करता है, पर कयाधु पूछना चाहती है क्यों लौट कर आए। सोचने लगी मैं अपने पति को प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, थोड़ी खुशामद कर दो, थोड़ी प्रशंसा कर दो। कयाधु हिरण्यकश्यप की प्रशंसा करने लगी, किसी भी क्रोधी व्यक्ति को प्रसन्न करना तो उसकी प्रशंसा कर दो, और प्रशंसा करने लगी। हिरण्यकश्यप जब प्रसन्न हो गया तब पूछा, कहा महाराज आज वन में ऐसी कौन सी घटना घट गई जो आप तप को बीच में छोड़कर वापस लौटकर आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, कयाधु और तो कोई बात नहीं, जिस पेड़ के नीचे मैं तप करने के लिए बैठा उस पर एक तोता बैठा था और वो नारायण नारायण बोलता था। कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे पति के मुख से नारायण नाम तो निकला। अब वो बार बार युक्ति से पूछने लगी, भोजन करते हुए फिर पूछा, पतिदेव क्या वो तोता सचमुच बोलता था, क्या बोलता था वो।
अरे वो नारायण नारायण बोलता था, सोते हुए फिर पूछने लगी। तो कहा कयाधु ने युक्ति से अपने पति के मुख से पूरे 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवाया और उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद की स्थापना हो गई। अब जैसे प्रातः काल हुआ, हिरण्यकश्यप फिर से वन में चला गया, मंदराचल पर्वत पर चला गया तप करने के लिए। देवताओं ने अपना काम बना लिया, ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। जब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा हिरण्यकश्यप ने, कहा महाराज मुझे अमरता का वरदान दो, मैं कभी मरू ना, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अमर तो कोई हो नहीं सकता, जिसका जन्म हुआ उसे मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना जड़ से मरूं, ना चेतन से मरूं। और जब बहुत बड़ी शर्तें रखी, उनमें से एक शर्त ये रखी ब्रह्मा जी से कि आपकी बनाई सृष्टि के किसी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सृष्टि की रचना किसने की है, कल सुना था ना आपने, किसने की, ब्रह्मा जी ने। और वरदान में मांग लिया कि आपकी बनाई सृष्टि के किसी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, तथास्तु। और एक शर्त और रख दी, कहा ब्रह्मा जी वर्ष में 12 मास होते हैं, वर्ष के इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, तथास्तु। अब ब्रह्मा जी ने ये विचार नहीं किया कि 13वां महीना आएगा कहां से, 12 महीनों में मृत्यु ना हो तो 13वां आएगा कहां से। और इसने मांगा मेरी बनाई सृष्टि में से किसी प्राणी के हाथों ना मरो तो इसे मारेगा कौन, बिना विचार किए तथास्तु कर दिया। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा को बुद्धू बना दिया, मैंने कहा मुझे अमरता का वरदान तो इनकार कर दिया, अब मुझे कौन मार सकता है। हिरण्यकश्यप निर्भय हो गया, राजमहल में वापिस लौट कर गया और कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हुआ प्रहलाद। 5 वर्ष के प्रहलाद हो गए, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर के पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए भेजा। इसे राजनीति का पाठ पढ़ा, राजा बनना है इसे। प्रहलाद जी का हृदय भगवान की भक्ति से रंगा हुआ है, अब हृदय में कोई खाली स्थान ही नहीं, जहां कोई खाली जगह नहीं वहां कुछ समाएगा क्या। प्रहलाद का हृदय भक्ति के रंग से रंगा हुआ है और यहाँ राजनीति का पाठ पढ़ा रहे शंड और अमर। प्रहलाद जी कानों से तो सुन रहे हैं लेकिन एक कान से सुनते और दूसरे से बाहर निकाल देते, भीतर तो जगह नहीं जाने की। जैसे कई दिन हो गए तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया, कहा बेटा तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ाया, कोई अच्छा सा पाठ मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद जी सोचने लगे अच्छा सा पाठ पूछ रहे हैं पिताजी, एक भक्त के लिए अच्छी बात क्या हो सकती है, केवल भगवान की चर्चा। भक्त कहीं भी बैठता है तो भगवान की चर्चा करता है, सत्संग की चर्चा करता है। प्रहलाद जी नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे, भगवान की महिमा गाने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, अरे नालायक मेरे शत्रु का भजन करता है, अपने सेवकों को आदेश दे दिया इसे बंद कोठरी में डाल दो। बड़ा प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे गिराया गया, जल में डुबोया गया, विष पान कराया गया, लेकिन प्रहलाद जी मरते नहीं। वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद